यूरिया और राशन की कालाबाजारी के खिलाफ शिवराज सरकार एक्शन मोड पर। सीएम शिवराज ने कहा, मैं गंभीर हूं, आप भी सख्ती बरतें। मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल कंपनी अब होगी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जल्द शुरू होगा काम, नए बोर्ड में होंगे 5 डायरेक्टर्स। एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने जारी किया 8 उम्मीदवारों के लिए, इस लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम भी शामिल। सीएम बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने राज्यों को सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी, नई शिक्षा नीति राज्यों के लिए घातक। विधानसभा मानसून सत्र, संसदीय सचिव पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया सवाल, न मंत्री न विधायक इनका स्टेटस बता। मुंगेली में अस्पताल के वार्ड बॉय की पिटाई, महिला ने वार्ड बॉय को जमकर पीटा, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। मुरैना से आपको खबर बता देते हैं, एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने जारी की 8 प्रत्याशियों की लिस्ट, लिस्ट में कई बसपाइयों का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर मुरैना से आपको हम बता रहे हैं, एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी। मुरैना से खबर आपको बता दें, एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई है, लिस्ट में कई बसपाइयों का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी। एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राज्य की अधीन जातियों को संस्कृति और परंपरा, अस्त्र शस्त्र, खान पान और दैनिक जीवन में उपयोगी चीजों को संरक्षित करने के लिए राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। जशपुर जिले में नवनिर्मित जशपुर पुरातत्व संग्रहालय में 13 जनजातियों की संस्कृति और पुरातत्व महत्व की चीजों को संरक्षित करके रखा गया है। संग्रहालय से जहां एक और क्षेत्रीय विशेषताओं की पहचान होगी, वहीं संग्रहालय का लाभ विद्यार्थियों को भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए राजगढ़ के वीर सपूत मनीष कॉम्परेटर का उनके गृहनगर खुशनेर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीष सुदर्शन चक्र कोर में थे, वो 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद को आखिरी सलाम देने के लिए पूरा राजगढ़ उमड़ पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए राजगढ़ के वीर सपूत मनीष कारपेंटर का उनके गृहनगर खुजनेर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीष सुदर्शन चक्र कोर में थे, वो 2016 में सेना में भर्ती हुए थे, जबकि उनके भाई हरीश भी सेना में हैं। मनीष के बड़े भाई हरीश भी सेना में पदस्थ हैं। उन्होंने मनीष को मुखाग्नि दी और मनीष सुदर्शन चक्र कोर में थे। शहीद को आखिरी सलाम देने के लिए पूरा राजगढ़ उमड़ पड़ा। लोगों ने नन माखों से विदाई देते हुए शहीद के जयकारे लगाए। तिरंगा हाथ में लिए युवाओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। सेना के वाहन में तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर खुजनेर पहुंचा। यहां पैतृक निवास में उनकी पत्नी और परिवार ने पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन किए। इससे पहले मनीष की पार्थिव देह जम्मू कश्मीर से भोपाल लाई गई थी। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया था कि खुजनेर में शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी और एक आश्रित को सरकारी नौकरी और शोक संतप्त परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखा देते हैं। शिवराज जी, धाराएं कब तक गिराएंगे, उन धाराओं को एक्शन तो लो। अगर यूरिया इस समय नहीं मिलेगा और ब्लैक मार्केट में मिलेगा तो किसान करेगा क्या? आपने उनके ऋण माफी पे रोक लगा दी, उनके बिजली के बिल बड़े बड़े कर दिए आपने,
आम आदमी का बिजली का बिल 50,000 1 लाख आ रहा है, किसानों के बिजली के बिल लंबे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यूरिया नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा सींचने के लिए, तो ये किसान करेगा क्या? और ऋण माफी नहीं होगी, सब चीजें तो इन्होंने रोक दी भाई। धाराएं बताने से नहीं होगा, धाराएं लागू होना चाहिए। कोर्ट से लेकर पत्रकार वार्ता के स्थल तक हम गए तो 3 घंटे लगे और करीब 90,000 से ज्यादा लोगों ने स्वागत किया है। वहां कार्यकर्ता 90,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे स्वागत किया, और बाकी वो जो रह उसमें जो बच गए वो बची गए, वो अच्छी जगह पहुंच ही नहीं पाए। और जो सस्ता अभियान हुआ था उसमें कम से कम 10-12 हजार लोग थे जिनको वहां पे सस्ता दिलाई गई। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, उनपे केसेस लगाए जा रहे हैं, उनपे FIR हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है इस उद्देश्य से कि ये चुनाव में कांग्रेस शिथिल हो जाए, काम न करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये लोग वहां जाएंगे, उनके बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, और उस वक्त कांग्रेस पूरी ताकत से, कांग्रेस का हर नेता सड़क पे लड़ेगा, घेराव करेगा थानों का, घेराव करेगा इनके शासकीय कार्यालयों का, इनके मंत्रियों का, कि ये फर्जी मुकदमेबाजी बंद करो। और ये भूल जाते हैं कि 15 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ते रहे और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। ये बात अलग है कि आपने जनमत को खरीद लिया, और खरीदने का हमेशा से प्रयास करना है, इनका चुनाव में कोई मतलब नहीं है। रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देशन में नगर निगम रायगढ़ के आयुक्त ने आज कया घाट पर कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों के लिए राशन उपलब्ध करवाया है, जिसमें SDM तहसीलदार समेत नगर निगम की टीम भी शामिल रही। आपको बता दें, कोरोना के कारण जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन किया गया था, जिससे संक्रमित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था हेतु आयुक्त आशुतोष पांडे द्वारा नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, किंतु मानवीय व्यवहार से कमिश्नर स्वयं कंटेनमेंट क्षेत्र में उपस्थित होकर राशन वितरण कर रहे हैं। लगातार तेज बारिश से रायगढ़ शहर जलमग्न हो चुका है। मोदी नगर समिति क्षेत्र से जुबान जैसे हालात, घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल तेज बारिश ने खोल कर रख दी है। बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं, और आज जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ जिले में लगातार तेज बारिश और मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। केलू नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर केलू नदी का बहाव। तेज बारिश होने के कारण जगह जगह जलभराव होकर स्थिति निर्मित हो गए हैं। लोगों के घर में पानी घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात कई क्षेत्रों में डुबान क्षेत्रों में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम ने नाली सफाई का पुल तो बांधा था, लेकिन वो उस पुल की पोल खोलता नजर आ रहा है। जब शहर में जलभराव जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, अभी तक शहर में जलभराव है। केलू नदी अपने उफान पर है, चकपद पूरी तरीके से डूब चुका है। वहीं मोदी नगर गुजराती पाएगा क्या भी जैसे क्षेत्रों में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और नगर निगम जिस तरीके से दावे करता था कि सफाई करवाई जाएगी, लेकिन उन सारे दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। रायगढ़ में सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक ने तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने फोर्स को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कई जगहों पर निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने चौकी थाने के सभी को अलर्ट रहने को कहा है। कोरोना संक्रमण के बीच बारिश में बाढ़ आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन व जिला पुलिस पूरी तरीके से तैयार है।
कोरिया के मानेंद्रगढ़ क्षेत्र की कॉलोनी में राशन की दुकान में 14 साल का नाबालिग लड़का संचालित कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर मानवाधिकार आयोग पहुंचा, जिसके बाद आयोग ने आपत्ति जताई। मामला है, देखिए यहाँ पर हम लोग को बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी कि बाल श्रमिक शोषण कराया जा रहा है, लेकिन हम लोग बहुत दिन से तलाश में थे और हम लोग को मिल भी नहीं रहा था सब चीज़। लेकिन जब मैं आज आया, सर्वे में आया, तो देखा कि लड़का इनका बैठा हुआ है, इनसे नाम पूछा, बताया शिवम नाम बताया, बोला बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो बोले हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद हम पूछे कितना पढ़ते हो, तो बोले 9वीं। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई नाबालिग लड़का है, नाबालिग लड़के को बैठा के यहाँ काम कराया जा रहा है। बेमित्रा के अतरिया के रोजगार सहायक मनोज गंधर्व के कारनामे आए दिन सामने आ जाते हैं। अब जनाब ने मनरेगा में खून पसीना लगा करके काम करने वाले श्रमिक रामचंद्र सतनामी की 13,000 रुपए की राशि गांव के ही रामचंद्र साहू के खाते में डाल दी। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के बेमित्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अतरिया का है, जहाँ के प्रभारी रोजगार सहायक मनोज गंधर्व के कारनामे लगातार उजागर होते चले जा रहे हैं, जिसके बाद भी जनपद पंचायत हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। ग्राम धनगांव में नियम विरुद्ध तालाब गहरीकरण करके मामले अभी तक शांत नहीं हो पाए थे कि रोजगार सहायक का एक और कारनामा सामने आ गया, जिसमें वो श्रमिक का पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे श्रमिक रामचंद्र सतनामी परेशान नजर आ रहा है और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट कर वो परेशान हो चुका है। कोरिया में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलाने के बाद जिला के नारायणपुर पुलिया निर्माण पहली बारिश में ही जो बह गया था, खबर चलने के बाद पुलिया का दोबारा से निर्माण हुआ है और कोई दुर्घटना ना हो पाए इसको लेकर के ध्यान रखा जा रहा है। रायगढ़ के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले माह क्रशर के अकाउंटेंट की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके बोलेरो में दो युवक अकाउंटेंट को डराकर धमकाकर उसके मोबाइल और नकदी लूट लिए थे। फिल्म स्टार से हुए इस लूटपाट को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना केरकेटा और उसकी टीम द्वारा प्रकरण के दोनों आरोपियों को लूट की मोबाइल बोलेरो और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतेवाड़ा में करोड़ों की लागत से बने कोविड हॉस्पिटल में डिस्पोज के लिए एक ही गड्ढे का सहारा लिया जा रहा है। कोविड अस्पताल करोड़ों की लागत से बना हुआ है, सभी सुविधाओं के लिए लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो कचरा है उसको डिस्पोज कहां पर किया जाएगा। वजह से पूरा पानी भर गया है डीप पिट्स में, तो सभी पॉलिथीन है, वो पॉलिथीन का वो पानी का भरने के कारण ऊपर फ्लोट हो रहा है, इस वजह से हम डंप नहीं कर पाया हूँ। आज ही पूरा क्लियर कर दिया हूँ और डंप भी कर दिया हूँ। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही। बुधवार को देश में इस घातक वायरस के 76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। एक दिन में देश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा केस। कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर। भारत में 33 लाख के पार कोरोना संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा भी 60,000 के पार। टेस्ट की रफ्तार बढ़ने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा, मरीजों की मृत्यु दर में आ रही कमी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बुधवार को देश में इस घातक वायरस के 76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में देश में दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 60,000 के पार पहुंच गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 76,014 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में मिले मामलों के कारण देश में कोरोना से अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33,04,598 हो गया है। बुधवार को कोरोना मरीजों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में दर्ज की गई तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अमेरिका में 17 जुलाई को 76,930 और 25 जुलाई को 78,427 मामले सामने आए थे। भारत में इससे पहले एक दिन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में सबसे बड़ी उछाल 22 अगस्त को दर्ज की गई थी। उस दिन भारत में 70,488 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। माना जा रहा है कि देश में कोविड टेस्ट के बढ़ने के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना में संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा देश में कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 11 दिनों में देश के 10,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिन भर में शहर में 618 मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और एक दिन में 1,209 सामने आए हैं मरीज। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जिले भर के कितने कितने मरीज सामने आए। गांव से 47, महासमुंद से 34, बीजापुर से 28, बिलासपुर से 24 मरीज सामने आए, बस्तर से 23, नारायणपुर से 21, बेमित्रा व सरगुजा से 20-20 मरीज सामने आए, धमंतरी से 18, कांकेर से 14, बालोद व बालोदा बाजार से 13-13 मरीज सामने आए हैं, जांजगीर चांपा व मुंगेली से 12-12, सूरजपुर से 11, करवर्धा से 9 मरीज सामने आए, कोडागांव व सुकमा से 7-7, दंतेवाड़ा से 6, बलरामपुर व राज्य से 3-3 मरीज सामने आए, पेंड्रा व जशपुर से 1 मरीज मिले हैं। 25 जिलों में से नए नए मरीज सामने आए। त्रिचुरापल्ली में कपड़े की एक कंपनी अपने सभी क्लॉथ स्टोर पर एक रोबोट इंस्टॉल किया है। इस रोबोट का नाम है जफीरा रखा गया है। ये संक्रमण से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की सहायता करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोबोट जफीरा सब देखती है। दुकान में कस्टमर पर रोबोट रखता है निगाह। कस्टमर को सैनिटाइजर देता है रोबोट।
ज्यादा लोगों को अंदर आने से भी रोकता है रोबोट। सबसे आगे रहकर कोरोना से लड़ेगी जफीरा। कोरोना वायरस आने के बाद से लोग दहशत में हैं। पिछले दो महीने से दुकान व्यापार आदि खोले जा रहे हैं, इसके बावजूद माहौल सामान्य होने से समय लग रहा है। हालांकि लोग कोरोना जैसे हालात का सामना करने के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। तिरुचिरापल्ली में कपड़े की दुकान पर ऐसा रोबोट लगाया गया है जो सभी आने वाले कस्टमर्स पर निगाह रखता है कि उन्होंने मास्क पहना है या नहीं। इसके साथ ही ये रोबोट सैनिटाइजर देने का काम, ग्राहकों का नंबर नोट करना जैसे काम भी करता है। तिरुचिरापल्ली में कपड़े की एक कंपनी ने अपने क्लॉथ स्टोर पर एक रोबोट लगाया है। इस रोबोट का नाम जफीरा है। ये रोबोट लोगों में संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाता है। ये रोबोट दुकान में आने वाले सभी कस्टमर्स पर निगाह बनाए रखता है और रोबोट देखता है कि कस्टमर्स ने मास्क लगाया है कि नहीं। इसके साथ ही रोबोट दुकान के अंदर घुसने वाले लोगों का तापमान भी चेक करता है, कस्टमर को सैनिटाइज करता है और दुकान के अंदर कौन सा कस्टमर क्या नंबर है उसकी जानकारी भी रखता है। जफीरा पूरी तरह से इंटेलिजेंस सिस्टम पर आधारित है। जाहिर है कि कई दुकानों पर इसी काम के लिए कर्मियों को रखा जाता है, लेकिन उस स्थिति में कर्मियों के संक्रमित होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में रोबोट का यूज करना काफी हितकर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल कर्मियों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है, बल्कि कस्टमर आदि के नंबर का ख्याल रखकर दुकान के अंदर लगने वाली भीड़ को भी रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे चंदेरी में मानसूनी बारिश के बाद प्राकृतिक झरनों ने चंदेरी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। क्षेत्र में कई स्थानों पर पहाड़ों से गिरते झरने स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ों से गिरते झरनों ने बढ़ाई खूबसूरती। प्राकृतिक झरनों से चंदेरी की बढ़ाई खूबसूरती। प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं सैलानी। मालनखो, सिद्ध क्षेत्र धाम और कटोतीखो धाम प्रसिद्ध। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे चंदेरी में मानसूनी बारिश के बाद प्राकृतिक झरनों ने चंदेरी की खूबसूरती बढ़ा दी है। क्षेत्र में कई स्थानों पर पहाड़ से गिरते झरने स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे हैं। चंदेरी में आमखो, मालनखो और फरका ऐसे स्थान हैं जहां हर दिन युवा सहित लोग बड़ी संख्या में इसे प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन स्थानों पर सबसे अधिक अवकाश के दिनों में लोग पहुंचकर पारिवारिक पिकनिक का आनंद भी ले रहे हैं। ये तस्वीर भी चंदेरी के मालनखो स्थान की है, जहां पहाड़ों से गिरता झरना आसपास की रहवासियों को आने के लिए मजबूर कर रहा है। बता दें कि चंदेरी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मालनखो, सिद्ध क्षेत्र धाम और कटोतीको धाम स्थित है। यहाँ लगभग 150 से 200 फीट ऊपर पहाड़ियों से घिरा रहा झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थल पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी और अन्य शहरों के लोग नहाने और पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन जिम्मेदारों को उदासीनता के चलते मालनखो पर सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रबंध नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर इस स्थल तक पहुंचने वाला लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता कच्चा होने के चलते पर्यटक को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोगों को उबड़ खाबड़ और कीचड़ में पैदल ही इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। यदि आने वाले समय में इस रास्ते को सही किया जाए तो आने वाले पर्यटकों में वृद्धि होगी। चंदेरी से के न्यूज के लिए विशाल सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।